Good morning to my students and welcome to my YouTube channel. तो हम लोग अभी लेक्चर थ्री में आ गए. लेक्चर वन लेक्चर टू ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है YouTube पे और लेक्चर थ्री में आज हम डिस्कशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोस ऑफ मल्टीपल एंगल्स यानी कि गुणित एंगल कोण के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे. व्हाट इज मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल एंगल क्या है. तो इसमें भी बहुत सारा फॉर्मूला निकल जाएगा, फॉर्मूले निकल जाएगा, आप थोड़ा इसको याद रखिएगा. वही मैं जो पहले बताया था कि प्रॉब्लम में आपको यही सब यूज करना पड़ेगा प्रो, और मैं कैसे डिराइव करता है उसको मैं सिखा दूंगा. इन विच वे इट इज डिराइव्ड आई विल डिस्कस एवरीथिंग्स इन हियर. ओके, तो व्हाट इज मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल क्या है. A any angle, suppose representing capital A angle represents the. So it's made twice A, 3A, dot 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 etc. are called multiple angles. So twice A, 3A, ये सब को multiple angles बोलते हैं. If अगर A को angle represents करते हैं तो अभी हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे ट्वाइस एक थ्री ए, ये सब की फॉर्मूला निकालेंगे. बाद में हम लोग हर लेक्चर्स लेवल में थ्री ए तक ही सीमित है इसको. ओके, तो हम लोग कैसे फॉर्मूला निकालेंगे इसके लिए. तो ये हो गया ए, अगर कोई एंगल है तो इसमें ट्वाइस ए थ्री ए ये सब मल्टीपल एंगल होते हैं, सब याद रखिए. ओके, तो हम लोग ट्वाइस ए का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, मैंने पहले ही आपको लिख के दिया है. साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू फर्स्ट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. दिस इंप्लाइज साइन ए प्लस ए इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन. क्या कहते हैं इसमें पुटिंग बी इज इक्वल टू ए, तब क्या होगा साइन ट्वाइस ए इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए फॉर्मूला. This is very important formula. Sin twice A is equal to 2 sin A cos A. इसको याद रखने पर एक formula में जो निकल गया आपके लिए. It's a very important formula. Sin twice A is equal to 2 sin A cos A. Similarly, cos A plus B is equal to cos A cos b minus sin a sin b. cos a plus a is equal to cos a minus sin a sin a. फिर से क्या क्या मैंने इसमें किया हम b is equal to. कैसे डिराइव करते हैं फॉर्मूला, मैंने वही आपको सिखाया. में क्या हो गया cos cos a इक्वल टू cos a स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर. फिर से फॉर्मूला निकल गया. अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां से हम लोग सब मल्टीपल एंगल का बाद में जब डिस्कशन करेंगे, अभी तो मल्टीपल एंगल डिस्कशन कर रहे हैं ना, उसके बाद हम लोग सब मल्टीपल एंगल डिस्कशन करेंगे. सब मल्टीपल एंगल जब डिस्कशन करेंगे, ये जो फॉर्मूला मैंने निकाला है यहां से ही मल्टीपल का फॉर्मूला निकल जाएगा. तो अब ध्यान से देखिए मैंने कैसे निकला है इसको. यहां से फिर से मैं निकालूंगा ए और एक तो cos y से निकल, यहां से फिर से फॉर्मूला निकालूंगा मैं. कैसे निकलते हैं cos y से निकलते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर. इसको तो पता ही है कैसे निकला, cos स्क्वायर 1 माइनस
साइन स्क्वायर here in the formula sin squared a is equal to half of 1 minus cos squared a. Okay, so again cos twice a is equal to 1 minus 2 sin squared a is or into और एक फॉर्मूला निकल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इसके रिलेटिव इज माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 दैट इज कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 प्लस कॉस प्लस ए ये फॉर्मूला हो गया. So I have already derived 3 char formula ke kitna ho gaya 2 3 char formula maine nikal liya. Okay, to ye ab ye sab aap dhyan mein rakhiye ek ek karke na ye jo ye formula jo hai yahi se hum log sab problem solve karenge yahi use karke yahi formula use karke we will solve every problems based on LCM. कोई भी जहां से भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप उठा लीजिए ये सब फॉर्मूले वहां में आ जाएगा. तो इसीलिए मैंने कैसे डिराइव करा हाउ आई हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला मैंने इसको दिखा दिया आपको. वैसे तो मैं सब फॉर्मूला अगर एक साथ लिख दूंगा तो आपको तो डर लग जाएगा मेरे क्या हो गया इतना फॉर्मूला कैसे याद रखेगा. लेकिन चिंता की टेंशन कम नहीं मैं आपको बता बता टेंशन कम नहीं क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया आप कैसे निकल सकते हैं आप. तो सब हो गया अभी. अभी मैं निकालूंगा 10 का फॉर्मूला निकालूंगा. टेन ए प्लस बी इक्वल टू कितना था है यहाँ पे 10 a plus 10 b divided by 1 minus 10 a 10 b. तो हमने 10 twice हो गया 2 एक बार में ही लिख दिया इसको and twice ये भी फॉर्मूला निकल जाए ये भी एक फॉर्मूला हो गया. What I have done, putting b equal to b equal to a हमने substitute कर दिया, replacing कर दिया, replace कर दिया, b के place में a replace कर दिया, तो ये formula निकल गया. ये भी आपको जरूर है कि आप अपने कर 10 twice is equal to 2 10 है, 1 minus 10 square, okay? ये सब सारा सारा formula निकल गया. Okay, तो हम अभी आई विल एक्सप्रेस साइन ट्वाइस है एंड टेन ट्वाइस है तो कॉस ट्वाइस है. अभी हम साइन ट्वाइस है और कॉस ट्वाइस है को टेन में एक्सप्रेस करेंगे. हमें टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में हम लोग एक्सप्रेस करेगा तो वो फॉर्मूला कैसे निकल मैं एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं. ध्यान से देखिए I have reduced मैंने ये आपके लिए निकाल दिया 2 sin a cos a. तो इसमें this is can be written as sin a cos a divided by 1 आप लिख सकते हैं. तो यहां मैं फिर से 2 sin a cos a in place of 1 I can write 1 cos squared plus
express the sign for such in terms of 10. मैंने क्या किया भाई साइन वाइज से को इन टर्म्स ऑफ 10 में मैंने एक्सप्रेस दिस इज व्हाट वी से व्हाट वी हैव सेड एक्सप्रेशंस ऑफ साइन वाइज से इन टर्म्स ऑफ 10 साइन वाइज से को 10 10 के साथ उसको एक्सप्रेस कीजिए इसको यही बोलते हैं ये भी एक फार्मूला है साइन वाइज से जो कल 2 10 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर और एक मैं निकल देता हूं आई नो cos y से इक्वल टू cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है तो इसमें मैं कैसे निकलूं राइट आई कैन राइट इन दिस वे आल्सो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर फिर से cos स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं क्या निकल जाएगा tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर cos cos ये भी एक फार्मूला होगा तो अभी देखिए हम मैंने क्या किया था cos और tan के हिसाब से एक्सप्रेस कर दिया cos को ऐसे दैट इज cos को ऐसे हैज बीन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 10 a ये भी फॉर्मूला काफी सारा ये सब फॉर्मूला जो है ये सब काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सॉरी ये फॉर्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट है तो मैंने लगभग सारा का सारा फॉर्मूला निकाल दिया इस हिसाब से मल्टीपल एंगल के हिसाब से मैंने निकल चुका ओके ये सारा याद रखिएगा एक एक करके एक्सरसाइज बुक में लिख लीजिए दो तीन बार मैं पहले ही बता हूँ बता देता हूँ आपको ये फॉर्मूला जो मैंने डिराइव किया है इसको आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं तो आप जब भी प्रॉब्लम करेगा तो बस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाएगा क्योंकि इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला देन यू कैनॉट फाइंड आउट द आंसर तो जैसे एनसीईआरटी में काफी सारा प्रॉब्लम दिया है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे पहले मैं फॉर्मूला को आपको सिखा रहा हूँ फॉर्मूला क्या ये मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला कौन सा मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला ये सब आपको सीखना पड़ेगा तभी तो हम इसको फॉर्मूला प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे अप्लाई कर सकेंगे अप्लाई विल अप्लाई दिस प्रॉब्लम्स ओके और मैंने तो वीडियो काफी सारा बना लिया गुरुदक्षिणा के बारे में तो आपको पता ही है ना मैं पहले ही बता रहा था गुरुदक्षिणा को मुझे देना ही पड़ेगा आपको वैसे गुरुदक्षिणा का मतलब क्या है लाइक है शेयर है और सब्सक्राइब ये तीनों चीज की थी मेरे वीडियो ओके तब तो आप लोगों को मानना पक्का पक्का मानो पक्का आई एम रेडी टू गिव यू द मार्क्स ओके अब ये कर लीजिए आपको खुद ब खुद अब वीडियो देखिए आराम से एक्सरसाइज बुक लीजिए तो मैं मार्क आराम से आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी प्रॉब्लम देगा क्वेश्चन में वो आपको आराम से सॉल्व कर देगा और काफी सारा प्रॉब्लम डिस्कशन भी करूंगा
इसका ऊपर में थ्योरी हमें फॉर्मूला के ऊपर ज्यादा ध्यान देना इसका बात ये तो पहले ही पता है यार बोल रहे भी लोग ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द फॉर्मूला ओनली फॉर्मूला आपको याद आ गया आपके बस कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हम लोग मल्टीपल एंगल से निकल के अभी हम लोग सब मल्टीपल एंगल की तरफ जाएंगे। क्या है सब मल्टीपल एंगल? ओके मल्टीपल एंगल हमने अभी डिस्कशन कर दिया। अभी फ्रॉम दिस मल्टीपल एंगल वी विल फाइंड सब मल्टीपल। पहले जो ये सब मल्टीपल एंगल है ये ए इज इन पहले जैसा उसके बाद a by 2, a by 3, etc. are known as submultiple. जब a एक कोण है तो a by 2, a by 3 ये सब को क्या बोलते हैं? सब मल्टीपल एंगल। ओके तो हम सब मल्टीपल के ऊपर डिस्कस करते हैं। सब मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल इसका कोई जो दिक्कत नहीं है। जो हमने मल्टीपल एंगल के ऊपर निकला है ना उसी से हम लोग सब मल्टीपल एंगल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम देखेंगे कैसे इसको निकालते हैं। मैंने निकला साइन ट्वाइस ए इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए दिस ट्वाइस टू ए बाय टू इक्वल टू टू साइन ए बाय टू कॉस ए बाय टू। मैंने क्या किया ए बाय
10 को ऐसे कर दो, 10 divided by 1 minus 10 square, that is 10 equal to 2, 10 by 2, 1 minus 10 square, in formula. Finish you. Multiple or sum multiple, I will finish to me. दर्द क्या कोई बात नहीं है, ये सब घर में आप लिख लीजिए ना, दो तीन बार असोसिएट करके इतना सारा फॉर्मूला मैंने दे दिया, इसके सब कैसे याद है? मैं आपको पहले बता रहा हूँ, याद रखने की एक ही तरीका है, आप बार बार इसको घर में लिखिए, इसको लिखना पड़ेगा, इसको घर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज बुक में इसको दो दिन पर देखिए, तब आपको खुद पर खुद हंसी आ जाए, यू विल बी लाफिंग एक्चुअली। तो आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं सब कुछ भी नहीं है, दो एक दिन में आपको सब सब याद आ जाएगा। ओके, मैं तो सोचता हूँ काफी इजी है ये सब, एकदम इजी है, सीधा मत कीजिए, टेंशन में मत लीजिए मैथमेटिक्स को लेकर। इसमें मैथमेटिक्स में आए 10 प्लस 2, 10 प्लस 10 प्लस 1 एंड 10 प्लस 2, इसमें एक ही है, अब बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए मैथमेटिक्स, जो 10 में आपको मिलता है, 10 किसके पर्टर में जो मैथमेटिक्स मिलता है वो एक लिमिटेशन है, वो टेक्स्ट बुक के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और वहां से प्रॉब्लम आ जाता है। देखिए 10 प्लस 1 और 10 प्लस 2 में क्या होता है, हम टेक्स्ट बुक के सो क्या और बहुत सारा रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, बाकी अगर आप जेई मेन और जेई एडवांस वे सब ऐड में जाना चाहते हैं तब तो बस आपको काफी सारा रिसर्च करना पड़ेगा, स्टडी के ऊपर बहुत सारा बुक जो स्टार्टिंग करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने फिलहाल मल्टीपल एंड सब मल्टीपल का फॉर्मूला इसमें खत्म कर दिया, और एक फॉर्मूला रह गया 3 3a का, वो फॉर्मूला रह गया, मैं उसको आपको जब पहले लिख के दूंगा एक बार फिर से। आप लिख लीजिए एक बार, ये हो गया, ये लिख लीजिए डिप्लोमेटिक रेशियोज ऑफ 3a की फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, मैं एक साथ ही आपके लिए नंबर 1 साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है, नंबर 2 कॉस 3a इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस है, नंबर 3 10 3a इक्वल टू 3 10a माइनस 10 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर, यहां से आप सब मल्टीप्लिकेशन का निकाल लीजिए, साइन का जो कोई जरूरत नहीं है, a बाय 3 को कर लीजिए साइन
लिस्ट ऑफ ऑल फॉर्मूले आई हैव ऑलरेडी डायरेक्ट फॉर मैंने सारा का सारा फॉर्मूला जो है आपके लिए दे दिया यही सब फॉर्मूला है यही फॉर्मूला याद रख के हम लोग याद करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे मैं एक तो प्रॉब्लम कर दूं बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे कैसे फॉर्मूला निकल फॉर्मूला यूज करके मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूं आप एक प्रॉब्लम ले लीजिए देख एक प्रॉब्लम लेके मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं ओके एक तो मैं प्रॉब्लम ले लेता हूं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में देखिए मैं काफी सारा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आज एक प्रॉब्लम ले लेता हूं आपको जैसे एक प्रॉब्लम मैंने दिया है sec theta plus tan theta equal to tan pi by 4 plus theta by 2 ये 4 marks है मैथ्स में 4 marks के लिए ये प्रॉब्लम ये 4 marks आपको मिलते हैं how will you solve आप कैसे इसको प्रूफ करेंगे प्रूफ करना पड़ेगा sec theta plus tan theta equal to 10 by 10 pi by 4 plus theta by 2 इसमें देखिए मल्टीपल संबंधित गुण सब फॉर्मूला इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहां पे कैसे करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए sec theta plus tan theta sec theta के प्लेस में 1 by cos theta मैंने देख दिया इसको sin theta by cos theta में मैंने कन्वर्ट कर दिया ये क्या हो गया cos theta हो गया ऊपर में हो गया sin theta ओके तो 1 प्लस sin theta तो 1 देखिए ये भी सब मल्टीपल में है तो 1 को इसके लिए cos स्क्वायर थीटा / 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा / 2 लिख दिया और sin theta के लिए 2 sin theta / 2 cos theta / 2 फॉर्म करते हैं ये सब फॉर्मूला ही लिखो कैसे cos square by theta by 2 plus sin square theta by 2 is equal to 1 sin theta is equal to 2 sin theta by 2 ये सब मल्टीपल का फॉर्मूला हो गया और नीचे में cos theta के प्लेस में मैंने लिखूंगा cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 this is the another formula cos theta is equal to cos square theta by 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 मैंने इसको लिखा अभी ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई से भी दिस इज कैन रिटन एज लाइक दिस मैंने इसको ऐसे लिख दिया और इसको ए प्लस बी ए माइनस बी में कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 दैट इज कॉस थीटा बाय 2 प्लस sin theta by 2 what is the answer you just cut it cos theta by 2 plus sin theta by 2 divided by cos theta by 2 minus sin theta by 2 आगे तो एक कैंसिल कर इसको कैंसिल कर दिया बस देखिए सब कुछ फॉर्मूला यूज किया हमने ओके is equal to कितना बड़ा नहीं हुई वो आप घर में प्रैक्टिस कीजिए ये काफी छोटा हो जाएगा is equal to 1 plus 10 theta by 2 हो गया 1 minus 10 theta by 2 तो इसको आप कैसे लिखेंगे अभी आई कैन राइट इन विद 1 केयर 10 पर बाय 4 10 थीटा बाय 2 1 माइनस 10 पर बाय 4 10 थीटा बाय 2 देखिए सपोज अज्यूमिंग यहां पे 1 1 तो ऐसे ही रहते हैं तो मैंने क्या किया इसको 1 की प्लेस में 10 पर बाय 4 यूज कर दिया अभी ये क्या हो गया 10a plus 10b divided by कैसे हो गया 10a plus 10b
सेकेंडरी क्लास 12 और 11 में ये प्रॉब्लम आते ही रहते हैं कि ये दिस क्वेश्चन प्लेस फ्रॉम फाइनल ये क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस। ओके तो मैंने आपके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो अभी मैं क्या लेते जा रहा हूं आपके लिए फॉर मोर सॉल्व प्रॉब्लम्स विथ और सी माय नेक्स्ट टेस्ट। इसमें एनसीईआरटी का भी होगा आईआईटी का भी होगा क्वेश्चन में डिस्कशन करूंगा। एनसीईआरटी का भी डिस्कशन करूंगा आईआईटी का भी क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। इसके ऊपर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके ये प्रॉब्लम है एक आज के लिए बस आई हैव ऑलरेडी सॉल्व वन प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके मैंने इसको दिखा दिया। फॉर मोर सॉल्व प्रॉब्लम्स वेट और सी माय नेक्स्ट लेक्चर। ओके हम वहां में हम लोग एनसीईआरटी और आईआईटी